हाल ही में पाकिस्तान के रिसर्चर साइंटिस्ट और मीडिया जो कि साइंस के हवाले से हैं उनका डेलीगेशन ने पाकिस्तान चाइना विज़िट किया। इसका मकसद ये था कि एक तो पाकिस्तान चाइना की जो रिलेशनशिप है उसमें फर्दर स्ट्रेंथन हो और इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें जो कोलैबोरेशन है उसको देखा जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। इस हवाले से हमने चाइना के नेशनल इनोवेशन इंडिजनस डिमॉन्स्ट्रेशन जोन्स जो थे वो विज़िट किए, जो कि 6 स्टेट्स में हमने विज़िट किए और 5 के करीब विज़िट किए। ये सारे जो जोन थे ये हाई टेक जोन थे, बहुत ही हाई आला क्वालिटी की रिसर्च होती है। डिस्कशंस के दौरान हमें वहाँ की जो चाइना की इनोवेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसके बारे में बहुत इल्म हुआ और वहाँ जो आइडियाज़ हैं मेरे ख़्याल में उनको कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में भी उनको अगर इंट्रोड्यूस किया जाए और प्रमोट किया जाए। मसलन वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर हैं जहाँ के ग्रेजुएट्स को ट्रेन किया जाता है। इंडस्ट्रियल समिट का एक नया कॉन्सेप्ट है और उसमें वो इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं और वो देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मैचिंग हो सकती है क्या, एक इंडस्ट्री जो है वो दूसरी इंडस्ट्री की कैसे हेल्प की जा सकती है। जो चाइना की ज़्यादातर रिसर्च है वो यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। उन्होंने खुद हमें कहा कि हमारी R&D में जो 90% अचीवमेंट्स हैं और काम है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होता है। अगर मुमकिन हो सके तो जो प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान में हो सकें या कोऑपरेशन के दोनों मुल्कों की एक इंडस्ट्रियल समिट हो सके जिसमें हमारी इंडस्ट्री के लोग शामिल हो सकें, उनकी इंडस्ट्री के भी लोग शामिल हो सकें और ये है कि एक ऐसी डायरेक्टरी बनाई जाए जिसमें कि जो पाकिस्तानी रिसर्च अदारे हैं और चाइनीज रिसर्च अदारे हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। ये जो डायरेक्टरी है ये चाइनीज़ में भी होनी चाहिए और इंग्लिश या उर्दू में भी होनी चाहिए।